नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग थ्योरी ऑफ रीजनल इम्बैलेंस को स्टडी कर रहे हैं या थ्योरी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग 5 थ्योरी को स्टडी करने वाले हैं। पहले जो 3 थ्योरी है उसको ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, सुपरफिशियल थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट बेस्ड एंड रीजनल मल्टीप्लाई मॉडल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ कम्युलेटिव कॉजेशन क्या होती है, ये किसके द्वारा दी गई है, गुनार मिंडाल के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ कीवर्ड्स स्टडी करेंगे, जैसे मान लो क्यूमुलेटिव कॉजेशन क्या होती है, बैकवॉश इफेक्ट क्या होती है, स्प्रेड आउट इफेक्ट क्या होती है, और लास्ट में देखेंगे 4 स्टेजेस क्या होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, किसके द्वारा दिया गया, गुनार मिंडाल द्वारा दिया गया, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूमुलेटिव कॉजेशन क्या होती है। मिंडाल क्या बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक इवेंट होती हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मान लो एक जियोग्राफिक रीजन है, जियोग्राफिक रीजन में बहुत सारे ग्रोथ सेंटर हैं, तो क्या कहें, एक इंटर रिलेटेड है। इस सेंटर में यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरे सेंटर में डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। मान लो इस सेंटर में डेवलपमेंट हो रहा है तो सराउंडिंग रीजन में डेवलपमेंट नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इस सेक्शन में डेवलपमेंट होगा तो कैपिटल ज़्यादा चाहिए सराउंडिंग और रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो सराउंडिंग रीजन से रॉ मटेरियल कैपिटल सब आ जाएंगे तो इस सेंटर का डेवलपमेंट होगा। और बाद में इस सेंटर का डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो आपको स्पीड आउट इफेक्ट देखने को मिलेंगे और फिर सराउंडिंग रीजन का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो इवेंट है इंटर रिलेटेड है ईच अदर से। यदि एक जगह डेवलपमेंट हो रहा है दूसरी जगह डेवलपमेंट नहीं होगा, और बाद में डेवलप्ड जब हो जाएगा तो दूसरी जगह भी डेवलपमेंट होगा, यानी कि इंटर रिलेटेड है इवेंट, और क्या करते हैं एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कॉजेशन, ठीक है। ये मिंडाल द्वारा दिया गया। तो मिंडाल जो वेस्टर्न कंट्री जो डेवलप्ड किए थे उसके बेसिस पे अपना मॉडल दिए हैं। तो मिंडाल क्या बोलते हैं कि ड्यू टू लोकेशनल एडवांटेज सम ग्रोथ सेंटर ग्रो फास्टर, यानी कोई जियोग्राफिक रीजन है तो लोकेशनल एडवांटेज के चलते कुछ सेंटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हैं। लोकेशनल एडवांटेज हो सकते हैं कि मान लो वहाँ पे एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज है, या अच्छी डेमोग्राफिक डिपेंडेंट है, या क्लाइमेट अच्छी है, रिसोर्सेज वहाँ पे अच्छी है, कुछ भी हो सकती है, लोकेशनल एडवांटेज हो सकती है, उसकी वजह से कुछ सेंटर फास्ट ग्रो करते हैं। जैसे मुंबई का एग्जाम्पल ले लो तो मुंबई ज़्यादा ग्रो कर रहा है एज कम्पेयर टू उसके सराउंडिंग रीजन, ठीक है। तो क्या कहें, ये लोकेशनल एडवांटेज है मुंबई का, क्योंकि कोस्टल एरिया में भी है, वहाँ पे कम्युनिकेशन साधन भी है, और बोल सकते हो कि फर्स्ट वहाँ पे यूरोपियन इस्टेब्लिश किए हैं कुछ कुछ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इसकी वजह से लोकेशन एडवांटेज चलते कुछ सेंटर ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो जब ग्रो करेंगे तो क्या करेगा कि सक्शन पंप की तरह बिहेव करेगा। मान लो इस सेंटर ग्रो कर रही है सराउंडिंग रीजन से तो सक्शन पंप की तरह बिहेव करेगा, और इस सब क्या करेगा, कैपिटल फ्रॉम सराउंडिंग रीजन से कैपिटल यहाँ पे आएंगे, बेस्ट रॉ मटेरियल आएंगे, ठीक है, इंडस्ट्री यहाँ पे लगने लगेंगे, फिर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होगा तो ब्रेन भी आएंगे सराउंडिंग रीजन से, यानी बेस्ट जो ह्यूमन कैपिटल होंगे वहाँ आएंगे, प्रोफेशनल वहाँ आएंगे, उसकी वजह से स्कूल या हॉस्पिटल की सुविधा भी रहेगी, तो और इन माइग्रेशन ज़्यादा होगा, तो क्या होंगे, सक करेंगे वेस्ट एलिमेंट फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। फिर देखो, ग्रोथ सेंटर कीप ग्रोइंग द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग रीजन के कॉस्ट पे ग्रोथ सेंटर ग्रो करते हैं, और ग्रोथ पेरीफेरी के लिए यानी ग्रोथ उसके सराउंडिंग रीजन के लिए कोई रिसोर्सेज छोड़ते ही नहीं, जैसे कैपिटल ब्रेन सब तो जो वेस्ट सेंटर है वहाँ पे चले जाते हैं, सेंटर ग्रोथ सेंटर पे चले जाते हैं, सराउंडिंग रीजन कुछ नहीं बचता। जब कुछ नहीं बचेगा तो वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, यानी अनडेवलप्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे रीजनल इम्बैलेंस इसलिए होती है क्योंकि कुछ सेंटर बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं और सराउंडिंग रीजन के सारे रिसोर्सेज सक कर लेते हैं, तो सराउंडिंग रीजन में डेवलपमेंट नहीं होगा और ग्रोथ सेंटर में डेवलपमेंट होंगे, इसके चलते क्या रीजनल इम्बैलेंस हो गया या अनइक्वल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब देखो, बहुत सारा ग्रोथ सेंटर में सब अच्छी अच्छी चीज़ें आ गए तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक स्केल होंगे यानी प्रोडक्शन होंगे, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो बहुत ही सस्ते में बिकेंगे तो आप मार्केट को कैप्चर कर लोगे, दूसरे के लिए जगह ही नहीं बचेगा, तो क्या होंगे ग्रोथ इकोनॉमिक स्केल के चलते ग्रोथ सेंटर और फास्ट डेवलप करने लगते हैं। और देखो, इसके लिए एक और एडवांटेज होती है कि एग्लोमरेशन होती है। एग्लोमरेशन क्या होती है, बहुत सारे जो रिलेटेड इंडस्ट्री है वहीं पर इस्टेब्लिश हो जाती है, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बहुत ही कम हो जाता है और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कम हो जाते हैं। तो ग्रोथ सेंटर में एग्लोमरेशन इकोनॉमी का स्केल की वजह से बेनिफिट होता है और ग्रोथ सेंटर और ज़्यादा डेवलप्ड करते हैं, ठीक है, ऐसा मिंडाल बोलते हैं। फिर देखो, बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है। बैकवॉश इफेक्ट होता है कि जो ग्रोथ सेंटर होते हैं सराउंडिंग नज़र से अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आने लगते हैं, जैसे कैपिटल हो गया, ब्रेन हो गया, और भी जैसे रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, या स्टूडेंट्स हो गए, सब यहाँ पर आने लगे, इसको बोलते हैं बैकवॉश इफेक्ट। फिर देखो, स्प्रेड आउट इफेक्ट क्या होती है। मान लो ग्रोथ सेंटर बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर गया और उसके डेवलपमेंट के लिए कोई
जगह नहीं है, ठीक है, आगे वहाँ पे पॉल्यूशन के प्रॉब्लम होने लगे, कंजेशन के प्रॉब्लम होने लगे, तो क्या होंगे, रिच जो पर्सन होते हैं वो यहाँ पे निकल के बाहर आके रहने लगते हैं पेरीफेरी में। पेरीफेरी में जब रहने लगेंगे तो सेटेलाइट टाउन का डेवलपमेंट होगा। सेटेलाइट टाउन का कॉन्सेप्ट भी इसमें आप समझ सकते हो। तो बिग सिटी क्या डिक्रीज करने लगती है और सेटेलाइट टाउन का डेवलपमेंट होने लगता है और पेरीफेरी का डेवलपमेंट होने लगता है। अब देखो सराउंडिंग एरिया भी डेवलप करने लगते हैं, इसको बोलते हैं स्प्रेड आउट इफेक्ट। यहाँ से ग्रोथ सेंटर से कैपिटल भी बाहर आएगा, ब्रेन भी बाहर आने लगेगा, ब्रेन जैसे ह्यूमन ब्रेन यहाँ पर सराउंडिंग रीजन में आने लगेंगे और सराउंडिंग रीजन का डेवलपमेंट होने लगेगा, इसको बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट। तो जो मिनरल बोलते हैं कि पहले चरण में या पहले स्टेज में क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर रीजन का डेवलपमेंट होता है और दूसरे चरण में लास्ट स्टेज में क्या बोलेंगे सराउंडिंग रीजन का डेवलपमेंट होता है, यानी इक्वलिटी बाद में आने लगती है। देखो इन्होंने चार चरण बताए किसी भी कंट्रीज या किसी भी रीजनल के डेवलपमेंट के लिए। पहला बताते नो इंटीग्रेशन, पहले चरण बोलते हैं जो जियोग्राफिक एरिया में जो सेंटर्स होते हैं वो इक्वली डेवलप होते हैं और कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है दोनों में। इवेंट में आप देखोगे इंटर रिलेटेड नहीं होते, एक इवेंट यदि यहाँ पर होगा दूसरा उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेंगे, यानी इंटीग्रेशन नहीं होगा और कम्युनिकेशन के साधन भी नहीं होंगे, फास्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा। बाद में आते हैं डिफ्रेंशिएशन, इसमें क्या होते हैं कि बैकवास इफेक्ट होंगे, यानी कि कुछ सेंटर बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगेंगे और सराउंडिंग रीजन से जो अच्छी चीज़ें हैं वो सक करने लगेंगे, तो होते हैं डिफ्रेंशिएशन दूसरे स्टेज में। फिर तीसरा स्टेज डिस्पर्सन आते हैं, डिस्पर्सन में क्या होते हैं कि स्प्रेड आउट इफेक्ट आने लगता है और सराउंडिंग रीजन का भी डेवलप होने लगता है। फिर आता है लास्ट स्टेज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या होते हैं सारे जो ग्रोथ सेंटर होते हैं इक्वली डेवलप होते हैं और पूरे रीजन में इक्वली डेवलप्ड होता है, कहीं पे अनइक्वल डेवलपमेंट नहीं होता और सारे जो ग्रोथ सेंटर होते हैं इंटीग्रेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फास्ट कम्युनिकेशन मेथड से, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये चार स्टेज में किसी भी रीजन का डेवलपमेंट होता है, ऐसा बोलते हैं गुनार मिंडाल द्वारा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।